द्रंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिहरी और सेगली का दौरा कर वहां के लोगों से मिले। वहीं उन्होंने बरसात से बेघर हुए प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें हुए नुकसान के मुआवजे का पूरा भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस बरसात से द्रंग विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। कहा कि द्रंग में लोगों के मकान, गौशाला, सड़कें, जमीन पानी में बह गए, जिस कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सेगली पंचायत के बम्बोला में एक मकान ढह जाने से उसमें 7 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। वहीं उन्होंने उन परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस बरसात में लोगों के घर, गौशाला ढह गई, जबकि गौशाला में बंधे पशु भी दबकर मर गए। उन्होंने कहा कि जिस कारण लोगों को बहुत क्षति हुई है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों को कहा कि लोगों का इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद करें। आज मैं ग्राम पंचायत सेगली गांव टीरी गांव सेगली का दौरा किया और अभी जो भारी त्रासदी भारी बरसात होने के कारण इन गांव में हुई, इन पंचायतों में हुई और इसी ही सेगली पंचायत के हमारे इस त्रासदी में हमारी 7 लोगों की जाने गई। 3 लोगों के घर में गया, वहाँ उनको सांत्वना दी और मैंने तो ये की प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मृतक आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और दुखी परिवार को जो है हिम्मत दे। और इस त्रासदी में जो भारी नुकसान हुआ, इसके लिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि लोगों का जो नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करे। और मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उस दौरान मैं खुद अस्वस्थ था, उसके बाद मैं प्रशासन के साथ मैं हर पल संपर्क में रहा। SDM साहब से बात की, जिलाधीश महोदय जी से बात की और यहाँ कटौड़ा तहसीलदार साहब से बात की और प्रशासन ने जो है हमारी पूरी मदद जो है इस इलाके के लोगों के की, मित्र परिवार के की और जिनका नुकसान हुआ है भारी बारिश के कारण, उनकी मदद की मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मृतक परिवार को जो सरकार जो मुआवजा देती है उनकी सहायता जल्दी से जल्द की जाए और जो नुकसान हुआ है, जो मकान गए हुए हैं, उन मकानों को बनाने के लिए भी हमारे उन प्रभावित परिवारों की जो है पूरी हेल्प की जाए। और मैं धन्यवाद भी साफ करना चाहूँगा मोरी राहत भी मौके पर दी गई, लोगों को राशन भी दिया गया, लोगों को बर्तन भी दिए गए। और मैं दूसरी बात एक और चाहूँगा कि जिन लोगों को राशन की कमी है, जिन लोगों को बर्तन की किटें नहीं मिली हैं, उनको बर्तन भी किटें जो है वो मुहैया कराई जाए। और अभी मैं कलेशी धार में जाऊँगा, वहाँ बम्बोड़ा में जाऊँगा और पिछले कल मैं नाका हमारे जो रेड रहा है वहाँ स्कोर में, इसी ही जो भारी फ्लड आया भारी बारिश के कारण वहाँ पर जो एक महिला सिंचरी की जान गई, उनके परिवारों से मिला। बिजली में जो है मकान गए वहाँ जा कर के मिला, लोगों के मकानों में दरारें आई वहाँ जा कर के मिला। और उसके बाद में बड़ी धार पंचायत जो हमारे इलाका दुंदा की आती है, वहाँ पर जो खुजराहाल गांव है वहाँ पर 11 परिवार जो है प्रभावित हुए हैं, पूरा गांव जो है वहाँ पर जर्र हालत में है। वहाँ पर मैंने जा कर के जायजा लिया और वहाँ पर प्रशासन के लोग भी थे, नायब तहसीलदार साहब थे, कानगो साहब थे, पटवारी साहब थे, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जो प्रभावित हुए लोग उनकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। उनको तलवार तरपाल भी दिए गए हैं, बर्तन किटें भी दी जा रही है, उनको राशन भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, हौसला बनाए रखें और जो मृतक परिवार जो हमारे यहाँ साथ जाने गई है, उन सभी के परिवारों से मैं एक ही चाहता हूँ, रिश्तेदारों से चाहता हूँ
कि इस दुख की घड़ी में मैं खुद द्रंग का विधायक होने के नाते मैं साथ हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो प्रभावित परिवारों के साथ है, जो भी सहायता हमसे हो सकेगी वो सहायता हम करेंगे। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, अभी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सड़क के निर्माण के लिए, रख रखाव के लिए जो हमें लगभग 4600 करोड़ रुपए की राशि जो हिमाचल प्रदेश को दी, जिसमें 118 करोड़ 31 लाख रुपये द्रंग चुनाव क्षेत्र को आया। पहली बार इतनी भारी रकम पहली बार इकट्ठा हमें मिली है। इसके लिए मैं केंद्र की सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय हमारे जो नड्डा जी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हिमाचल प्रदेश में जो हमारे विपक्ष के जो नेता है पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, और हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बिंदर जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे पंडोह में आए थे, हमारे पनारसा में आए थे, उनके समक्ष मैंने जो द्रंग चुनाव क्षेत्र का ड्राफ्ट बना करके भेजा था पूरे चुनाव क्षेत्र का, उन्होंने मुझे विश्वास दिया था कि द्रंग चुनाव क्षेत्र में हम जो है कि हम पूरा जो है केंद्र से मदद करेंगे। वो हमें मदद जो मिली है इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया हुआ है, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो आपके पुल गए हैं पुल के लिए भी हम धनराशि उपलब्ध करेंगे। और माननीय हमारे नितिन गडकरी जी जो भू तहल परिवहन मंत्री हैं, वो हमारे मनाली में आए थे, उनके समक्ष मैंने पूरे द्रंग चुनाव क्षेत्र की समस्या को रखा। उन्होंने पूरा विश्वास दिया है कि हम द्रंग के विकास के लिए जितना भी हमसे हो सकेगा हम केंद्र से जो है पैसा जो है मंजूर करवाएंगे। और इसी सिलसिले में मैं तुरंत जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब से मिला, उन्होंने भी विश्वास दिलाया हुआ है कि हम जो है द्रंग चुनाव क्षेत्र में विकास के कामों को कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं इस दुख घड़ी में मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर आज हम सब लोगों को, आज सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर के, हमें एक होकर के, एकजुट होकर के, मैं तो द्रंग की बात करना चाहूँगा।